गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के परंपरागत कढ़ाई। चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है पंजाब की फुलकारी। पहला है पंजाब की फुलकारी। देखिए यहाँ पंजाब की फुलकारी के डिज़ाइन बनाया गया है। पहला पॉइंट है यह पंजाबियों के बीच परंपरागत कढ़ाई है। क्या है? पंजाबियों के बीच परंपरागत कढ़ाई है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में फुलकारी को बाग कहा जाता है। ये जो फुलकारी है इसको पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? बाग के नाम से जाना जाता है। जब पूरे वस्त्र पर फुलकारी की जाए तो बाग कहलाता है। बाग किसे कहते हैं? जब पूरे वस्त्र पर फुलकारी की जाए, मतलब जो डिजाइन फुलकारी वाली की जाए, फूल बनाया जाए या फूल पूरा पूरा बाग जैसा बना दिया जाए, उसे क्या कहेंगे? बाग कहेंगे। पूरे साड़ी पे कढ़ाई एक जैसा फूल बना देना ही बाग कहलाता है। फुलकारी दो शब्दों से मिलकर बना है, फूल प्लस कारी, फूल कार्य। आगे क्वेश्चन है और आगे पॉइंट है, मुगल काल में इसे कढ़ाई को अधिक प्रोत्साहन मिला। फुलकारी के लिए मुख्य रूप से डार्क स्टिच या डर्निम का प्रयोग किया गया। ये मुगल काल में इसका क्या बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला था, इस कढ़ाई का, फुलकारी की। तो ये इसका जो मुख्य रूप है डार्क स्टिच और डर्निम का जो प्रयोग किया गया था, इसके वजह से फुलकारी साड़ियाँ फेमस थी। आगे पॉइंट, यह कढ़ाई कोर्स क्लॉथ के कपड़ों पर की जाती है। पंजाबी फुलकारी शब्द फारसी बुलकारी से मिलता जुलता है। यह कढ़ाई कोर्स क्लॉथ खद्दर के कपड़ों पर की जाती है। पंजाबी फुलकारी शब्द फारसी गुलकारी से मिलता जुलता है। ये कोर्स क्लॉथ खद्दर के कपड़ों पर की जाती थी। यह पंजाबी जो फुलकारी है, फुलकारी शब्द फारसी के गुलकारी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फुलकारी को सुख समृद्धि ऐश्वर्य या सुहाग का प्रतीक माना जाता है। जो फुलकारी है इसको सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य का सुहाग माना जाता है। आगे पॉइंट है, फुलकारी में रेशमी धागे का प्रयोग किया जाता है जिसे पट कहा जाता है। जो फुलकारी डिजाइन में जो रेशमी धागे का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम पट कहते हैं। फुलकारी में प्राकृतिक नमूने बनाए जाते हैं जैसे शालीमार बाग, मिर्ची बाग, करेला बाग, चंद्रमा बाग आदि बागों के नाम से जाना जाता है। आगे पॉइंट है, चलते हैं, फुलकारी के लिए ज्यामिति नमूने का प्रयोग किया जाता है। फुलकारी डिजाइन में क्या होता है? ज्यामिति शेप जो होते हैं नमूनों का प्रयोग किया जाता है। नोट में है, कढ़ाई के लिए ऐठा रही धागे का प्रयोग है। जो कढ़ाई होती है उस पर ऐठा रही धागे का प्रयोग किया जाता है। इसके धागे में ऐठा नहीं होती है। आगे चलते हैं, फुलकारी के प्रकार हैं, यह लाल रंग के खद्दर पर बनाई जाती है। मतलब फुलकारी के प्रकार में है चोप क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यह लाल रंग के खद्दर पर बनाई जाती है। विवाह के अवसर पर नानी अपनी नतिनी को देती हैं, भेंट देती हैं। यह लाल रंग के खद्दर के कपड़े पर बनाई जाती हैं। विवाह के समय नानी होती हैं जो, वो अपने नतिनी को भेंट देती हैं। इसमें सुनहरे पीले रंग के धागे का प्रयोग किया जाता है। तथा डबल रनिंग स्टिच का प्रयोग किया जाता है। दुल्हन को नज़र ना लगे इसलिए वस्त्र पर चारों कोने पर काले रंग के गोटे गूंथे जाते हैं। चोप में क्या होता है? नानी अपने नतनी को भेंट देती हैं। जो वस्त्र होता है उस पर लाल रंग खद्दर का कपड़ा होता है। लाल रंग के धागे से कढ़ाई की गई होती है। इसमें सुनहरे पीले रंगों का भी प्रयोग किया गया होता है। इस पर रनिंग स्टिच का प्रयोग किया गया है। और दुल्हन को नज़र ना लगे इसलिए इसके गोटे पर छोटे छोटे काले रंग के कांच को गूंथे जाते हैं। आगे चलते हैं, शुभर क्या होता है? यह शाल भी लाल रंग का बना होता है। इसे विवाह के अवसर पर माँ अपनी पुत्री को फेरे के समय पहनाती हैं। शुभर में एक बताया गया है कि
जो लड़की की माँ होती है अपने बेटी को क्या करती है, फेरे किस में पहनाती हैं, कैसा होता है, लाल रंग का बना होता है शाल। आगे चलते हैं, तिलपत्रा क्या होता है, तिलपत्रा के बारे में जानते हैं, या तिलपत्रा क्या होता है, यह सस्ते एवं हल्के खद्दर पर यह कढ़ाई की जाती है, जो कपड़ा होता है वह सस्ता रहता है, खद्दर के कपड़े होती हैं। वस्त्र पर छोटे छोटे नमूने बनाए जाते हैं, उस पर छोटे छोटे डिजाइन बनाई जाती है वस्त्र पर। शुभ अवसर पर गृह स्वामिनी घर की मालकिन होती है, वो शुभ अवसर पर अपने दासियों को उपहार देती हैं। उपहार देने के लिए जो कपड़े होता है वो क्या होता है, हल्का होता है लेकिन खद्दर का होता है, और उस पर जो कढ़ाई की जाती है इसमें छोटे छोटे नमूने बनाए जाती हैं। और शुभ अवसर पर जो घर की मालकिन चाहे गृह स्वामिनी होती है वो अपने दासियों को उपहार के रूप में देती हैं। छोबे क्या होता है, पीले रंग की खद्दर पर कढ़ाई छोबे कहलाती है, जो पीले रंग का खद्दर का कपड़ा होता है इस पर जो कढ़ाई की जाती है तो छोबे के अंतर्गत आता है। थीरमा क्या होता है, थीरमा सफ़ेद रंग के वस्त्र पर कढ़ाई, जैसे जो सफ़ेद रंग के वस्त्र पर कढ़ाई की जाती है उसे हम थीरमा कहते हैं। शीशेदार फुलकारी, तो शीशेदार की फुलकारी कैसे बनती है देखते हैं। इस वस्त्र पर पृष्ठभूमि गहरे रंग की होती है, या डिजाइन मुख्य रूप से सिंध प्रांत में देखने को मिलती है। इस जो वस्त्र होता है वो गहरे रंग की होती है, जो उसका कलर होता है वस्त्र का बहुत गहरे रंग का होता है, उसमें मुख्य रूप से इसकी जो भी डिजाइनिंग देखने को मिलती है प्रांत प्रदेशों में ज़्यादा देखने को मिलती है, और नमूने के बीच में शीशा लगा होता है, जो डिजाइन की जाती है मतलब शेप्स बनाए जाते हैं नमूने, उसके बीच में क्या होता है शीशा लगा दिया जाता है। सातवां है कच्छ की फुलकारी, कच्छ की फुलकारी का कच्छ कहाँ जब देखने को मिलता है तो गुजरात में, तो कच्छ की जो फुलकारी हो गुजरात में होता है, यह कच्छ की लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध कढ़ाई है। वस्त्र के किनारे पर बॉर्डर बनाए जाते हैं तथा बीच में फूल पत्तियां तोते मोर आदि की आकृतियां बनाई जाती हैं। कच्छ की फुलकारी में क्या होता है, वहाँ के लोकप्रिय लोक प्रसिद्ध जो कढ़ाई होता है उसमें की जाती है, और वस्त्र के किनारे पर बॉर्डर बनाए जाते हैं तथा बीच में जो फूल पत्तियां और तोते और मोर बनाई जाती आकृतियाँ बनाई जाती हैं, वहाँ क्या है कच्छ की फुलकारी जो प्रसिद्ध कढ़ाई है, इसके किनारे पर और जो बॉर्डर बनाए जाते हैं उस फूल पत्तियां तोते मोर आदि की आकृतियां बनाई जाती हैं। नीलक क्या होता है, तो नीलक रंग नीले रंग के खद्दर के शाल दुपट्टा, नीले रंग के खद्दर पर पीले रंग की कढ़ाई की जाती है, इस पर घरेलू सामग्रियों का चित्रण किया जाता है। नीलक के अंतर्गत क्या आता है कि नीले रंग का खद्दर क्या होता है शाल या दुपट्टा होते हैं, उस पे पीले रंग के धागों की कढ़ाई की जाती है, और इस पे घरेलू सामग्रियों का चित्र बनाया जाता है, जो घरेलू सामग्रियाँ होती है उसके चित्र डिजाइनिंग की जाती है। आगे है सालो क्या होता है, यह रुमाल से बड़ा लेकिन दुपट्टा से छोटा होता है, तो यह सालो क्या होता है, रुमाल से बड़ा होता है, जो कपड़े का आकार होता है यह रुमाल से बड़ा होता है लेकिन दुपट्टा से छोटा माना जाता है। आगे चलते हैं बाघ, बाघ के बारे में अभी इसके पहले बताए थे तो उसका पूरा डिटेल देखते हैं, बाघ क्या है, बाघ के कितने प्रकार होते हैं। तो बाघ क्या है, बाघ में जब पूरे वस्त्र पर कढ़ाई एक साथ की जाती है तो वस्त्र पर भरा सा बगीचा दिखाई देता है, इसलिए कढ़ाई को बाघ कहते हैं। बाघ क्या है, जब पूरे वस्त्र पर एक जैसा ही डिजाइन किया जाता है और देखने में बगीचा जैसा देखने में लगे तो उससे क्या कहेंगे, बाघ कहते हैं। चलते हैं बाघ के प्रकार की ओर, घूंघट बाघ, यह तीन कोने वाला लाल रंग का साल है होता है और दुल्हन को ओढ़ाया जाता है, शुभ माना जाता है। घूंघट बाघ क्या होता है, यह तीन कोने वाला लाल रंग का साल होता है, यह दुल्हन को ओढ़ाया जाता है, इसे शुभ माना जाता है। वरिद बाघ, वरिद बाघ क्या होता है, यह लाल रंग का एक साल है, यह लाल रंग का साल है, यह वर पक्ष की ओर से दुल्हन के लिए दूल्हे द्वारा बनाया जाता है। क्या होता है कि यह लाल रंग की शाल होती है तो यह वर पक्ष द्वारा मतलब लड़की के पक्ष की तरफ से बनाया जाता है,
लड़के के पक्ष के तरफ से बनाया जाता है, अपनी लड़की के लिए, दुल्हन के लिए वो डिजाइनिंग की जाती है। ज़्यादातर पीले रंग और रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते भवन बाग क्या होता है। इसमें 52 सेंटीमीटर ज्यामिति आकार से नमूने बनाए जाते हैं, नहीं इसमें 52 ज्यामिति आकार में नमूने बनाए जाते हैं, मतलब जो ज्यामिति बनाई जाती है इसका जो है 52 प्रकार से बनाई जाती है ज्यामिति इसका। और प्रत्येक चौकोर नमूने में रंग बिरंगे चटक रंग भर दिए जाते हैं। रंग बिरंगे जो चटक रंग होते हैं उसमें चौकोर नमूने में भर दिए जाते हैं। आगे चलते हैं रेशमी सीसा बाग। इसमें गहरे रंग के पृष्ठभूमि पर हल्के रंग के धागे से छोटी छोटी कढ़ाई की जाती है, मतलब जो कपड़ा का कलर हो, उसका जो बैकग्राउंड हो बहुत ज़्यादा चटक हो, और उस पे जो धागा कढ़ाई की जाती है वो हल्के रंग की हो, इससे यह चमकते शीशे का समान प्रतीत होता है। इससे क्या होता है, अगर डार्क उसका बैकग्राउंड, जो कपड़े का जो कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, जो उसकी डिजाइनिंग की जाएगी वो कलर उस धागे का हल्का हो, ऐसे डिजाइनिंग करने के बाद वो जब चमकता है तो किससे कैसा आभास होता है, तो शीशे जैसा आभास दिखाई देता है। सतरंगा बाग क्या होता है। जब कढ़ाई के लिए 7 रंग के धागों का प्रयोग किया जाता है, जब हम कढ़ाई करते हैं तो उसके लिए 7 रंगों के धागों का प्रयोग करते हैं, उसे सतरंगा बाग कहते हैं। धूप छांव बाग क्या होता है। तो गहरे से हल्के रंग धागों का प्रयोग, मतलब क्या होता है, गहरे से हल्के रंग धूप छांव जैसा दिखता है रंग, इसमें जो धागा होता है दो तरीके से दिखाई देता है, गहरे से हल्के रंग की ओर डिजाइन दिखाई देती है। इससे क्या होता है कि धूप छांव, जब शेडो लगेगा तो उसमें धूप छाया उत्पन्न किया जाता है। चादरानी बाग क्या होता है। गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद धागे से कढ़ाई नीले आकाश का प्रभाव उत्पन्न करती है। गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद धागे से कढ़ाई नीले आकाश का प्रभाव उत्पन्न करती है। चादरानी के लिए क्या होता है कि गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि होनी चाहिए, कपड़े का जो कलर होना चाहिए उसकी पृष्ठभूमि जो गहरे नीले रंग की होनी चाहिए, और जिस पे कढ़ाई की जाती है सफ़ेद धागे से कढ़ाई की जाती है, और नीले आकाश का प्रभाव उत्पन्न करती है। बेलन बाग क्या होता है। इसमें वस्त्र पर चकला बेलन के नमूने पाए जाते हैं। जायज बात है, पॉइंट के हिसाब से देखने को लग रहा है कि बेलन बाग है, तो बेलने जैसा इसका आकार या चकला जैसा नमूना बनाया जाता है तो इसको बेलन बाग कहा जाता है। सूरजमुखी बाग, यह वस्त्र पूर्वी पंजाब में अधिक प्रसिद्ध है। वस्त्र पर फूल का चित्रण किया जाता है, वस्त्र पर भूमितीय नमूने बनाए जाते हैं। क्या होता है, सूरजमुखी बाग में यह वस्त्र पूर्वी पंजाब में अधिक प्रसिद्ध है। वस्त्र पर फूल का चित्रण किया जाता है, वस्त्र पर भूमिति नमूने बनाए जाते हैं। नोट है, जैस्मिन के फूलों के नमूनों को मोतिया बाग कहा जाता है। जो जैस्मिन के फूल होते हैं उनके नमूनों को क्या कहा जाता है, मोतिया बाग कहा जाता है। आगे चलते हैं चिकनकारी। चिकनकारी कहाँ के हैं, लखनऊ का है। तो चिकनकारी को शेडो वर्क के भी कहा जाता है। चिकनकारी को क्या कहा जाता है, शेडो वर्क कहा जाता है। पहले चिकनकारी सफ़ेद मलमल के वस्त्र पर ही सफ़ेद रेशमी धागों से की जाती थी, लेकिन अब शिफान जॉर्जेट नेट आदि की रेशमी सूती धागों से कढ़ाई की जाती। पहले क्या होता था, जो चिकनकारी की जो कढ़ाई की जाती थी मलमल वस्त्र पर की जाती थी, सफ़ेद धागों से की जाती थी, वो भी रेशमी धागा हो, लेकिन अब क्या होता है कि शिफान और जॉर्जेट नेट आदि पर भी रेशमी और सूती धागों की कढ़ाई की जाती है। आपका कपड़ा चाहे शिफान हो, जॉर्जेट हो, नेट आदि हो, लेकिन उस पर क्या होता है, रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है। धागे कैसा हो, रेशमी भी हो तथा मतलब मुलायम के चमकदार भी और सूती भी कढ़ाई की जाती है। चिकनकारी के द्वारा कुर्ते, टोपी, दुपट्टा, रुमाल, मेजपोश आदि पर की जाती है। जो चिकनकारी की डिजाइन की जाती है, कुर्तों पर भी की जाती है, टोपी पे लगा जो लगाने वाला टोपी होता है सर पे, उसका भी, उस पर भी ऐसी डिजाइनिंग की जाती है। चिकनकारी के दुपट्टा, रुमाल, मेजपोश आदि पर भी की जाती है।
आगे चिकनकारी के प्रकार। चिकनकारी के प्रकार में हम पढ़ते हैं बकिया। बकिया क्या होता है? यह सबसे प्रचलित एवं लोकप्रिय टाका है। क्या है? सबसे प्रचलित एवं लोकप्रिय टाका है। यह वस्त्र पर चपटी कढ़ाई के रूप में दिखाई देती है, तो जिसे हम कहते हैं शैडो वर्क कहते हैं। यह बहुत बहुत प्रचलित टाका है, लोकप्रिय है। तो क्या होता है, वस्त्र पर जो डिजाइनिंग की जाती है चपटी दिखाई देती है, इसे कहते हैं शैडो वर्क। में उल्टी तरफ हैरिंग बोन टाके द्वारा सिलाई की जाती है। उल्टी तरफ क्या होता है, दिखाई क्या देता था, हैरिंग बोन टाके द्वारा इसकी सिलाई की जाती थी। सीधी की ओर क्या कैसा दिखा, तो उल्टी बकिया का प्रयोग किया जाता था। उल्टी की तरफ क्या दिखाई देता था, हैरिंग बोन टाका, और सीधी की तरफ क्या दिखाई देता, तो उल्टी बकिया दिखाई देता था। इस तरह इसकी डिजाइनिंग का प्रयोग किया जाता था कि उल्टी तरफ उसे क्या उल्टी बकिया दिखे सीधे की तरफ, और उल्टी की तरफ क्या देखे, हैरिंग बोन जो टाका होता उस तरह दिखे। तो यह सबसे लोकप्रिय हैरिंग बोन जो है स्टिच है, टाके का नाम है। वहाँ का चिकनकारी जो है लखनऊ का, ये बहुत प्रसिद्ध टाका है। देखिए ये जो ऊपर ऐसे गुड़े प्लस के निशान बनाए गए हेरिंग बोन स्टिच है, और ऐसे से जो फूल के जैसे डॉटेड करके ऐसे आकार जो दिया गया है वो उल्टी बकिया है। ऐसे डिजाइनिंग की जाए कि कपड़ा अगर सीधा तो हैरिंग बोन स्टिच दिखाई दे, अगर उल्टा है क्या सीधी तरफ उल्टी बकिया दिखाई दे, कपड़ा जो क्या होता है उल्टा कपड़ा है तो उसमें हैरिंग बोन टाका दिखाई दे। आगे चलते हैं टेपची। टेपची क्या होता है? यह चपटा टाका होता है जो कि साधारण टाका अथवा डार्निंग टाका के नाम से जाना जाता है। यह टाका क्या होता है, एक चपटा होता है, और नॉर्मली चीज साधारण तरीके से इसे क्या कहते हैं, डार्निंग टाका के नाम से जाना जाता है। फूल एवं पत्तियों के नमूने वस्त्र पर बनाए जाते हैं। टेपची में क्या होता है जो फूल और पत्तियों के नमूने बनाए जाते हैं वह वस्त्र टेपची कपड़ों पे वस्त्रों पे क्या होता है, फूल और पत्तियों के नमूने वस्त्र पे बनाए जाते थे, और जो उसके टाका होते थे और टाका का जो प्रयोग किया जाता साधारण टाका रहता था, और किसके नाम से प्रसिद्ध था, डार्निंग टाका के नाम से प्रसिद्ध था। आगे पॉइंट खटाऊ। खटाऊ क्या है, इसमें भी टाका, इसमें चपटा टाका का प्रयोग किया जाता है। शैडो वर्क में पीछे की ओर हैरिंग बोन, इसमें क्या होता है जो शैडो वर्क बनाया जाता था तो उसमें क्या था, पीछे की ओर हैरिंग बोन टाके का प्रयोग किया जाता था। अब आते हैं आगे देखते हैं कैलको। कैलको वस्त्र पर एप्लिक वर्क इस विधि द्वारा कहा जाता है। जो कैलको वस्त्र होता है उसको एप्लिक वर्क के नाम से जाना जाता है। कैलको वस्त्र पर कैसा वर्क किया जाता है, एप्लिक वर्क किया जाता है, इसी विधि द्वारा कहा जाता है। एप्लिक वर्क होता क्या है, तो कटिंग की गई डिजाइनिंग, जैसे मेरा ये कोई छोटा सा वस्त्र है, कपड़ा है, और ये मेरी डिजाइनिंग है, ये अलग से कटिंग की गई डिजाइनिंग है। इस डिजाइन को इस कपड़े पर टक कर देना, इस पर लगा देना, तो क्या कहता है, एप्लिक वर्क कहलाता है। आते हैं आगे पॉइंट की ओर मूरी क्या होता है। यह गांठों वाला टाका है, इसके द्वारा हल्की उभरी सी संरचना बनती है। मूरी टाके में ऐसे गेहूं की बाली, चावल के दाने जैसे नमूने बनाए जाते हैं। इसके जो नमूने बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, मूरी के गेहूं के बाल जैसा और चावल के दाने जैसा नमूनों का प्रयोग किया जाता है इसमें, मूरी टाके में। फंदा क्या होता है, फंदा क्या होता है, मूरी टाके व फ्रेंच नोट टाके का परिवर्तित रूप है। मूरी क्या है, मूरी टाका क्या है, यह फ्रेंच नोट जो होता है टाके का परिवर्तित रूप है। जो फ्रेंच नॉट पहले क्या करते हैं, ये टाका था, इसका परिवर्तित रूप क्या है, फंदा है। इसके द्वारा उभरे हुए नमूने बनाए जाते थे। इस तरह डिजाइनिंग की है, इस तरह सुई है, उसमें सुई ऐसे से धागा को लपेटा गया, ऐसे से धागा को लपेटा गया है, किसी धागे के बीच से जो लपेटे हुई 10-5 फेरा लगाने के बाद इसमें क्या, उसी के अंदर से सुई निकालेंगे तो इसे क्या कहेंगे, फ्रेंच नॉट। जालीदार, नमूने में जालीदार का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। छोटे छिद्रों का चारों ओर धागे से कस लिया जाता है। जो जालीदार कपड़ा या वस्त्र हो, जो डिजाइन करने का जहाँ स्थान हो, तो जालीदार हो, तो जालीदार कपड़े भी आते हैं, जैसे दो सूती है,
गोसुत्ती क्या है कि चौकोर में उसका जो भी ताना बना होता चौकोर में होता, तो उसकी डिजाइन इस तरह चौकोर में आती। नमूने क्या है, जालीदार का प्रभाव उत्पन्न करें, छोटे छिद्रों को चारों ओर धागे से कस लिया जाता है, छोटे छिद्र होती हैं उसे चारों तरफ से कस लिया जाता है। आज के लिए इतना ही, और टॉपिक आगे का रहेगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर चैनल टॉपिक पसंद आया तो इस चैनल को लाइक प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।